हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कंपनी का आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। गाइज, यहाँ पे 37th एनुअल जनरल मीटिंग का भी डेट जो है सो आ चुका है, फिक्स कर दिया गया है, जो कि रखा गया 29 सितंबर 2023 का डेट रखा गया। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे आउट हुआ है और नंबर जो है लैक्स में दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो 7810 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7962.9 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 7370 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 7691 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7613.5 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 7037 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है, जबकि इनकम में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी देखिए तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 119.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 349 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 332 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 87.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 263.7 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 241 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। EPS है 2.42 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन हुआ है। वहीं अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे एडिबल ऑयल्स, फूड एंड FMCG और विंड टर्बाइन पावर जनरेशन, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। और तो गाइज, यहाँ पे कंपनी उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया, एवरेज है देखने को मिला है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।